नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका बीइंग डीएमवी पर। यह है दिवाली का दूसरा दिन और यह है बठियानी चोटा। यहाँ पर है माँ लक्ष्मी जी का एक प्राचीन मंदिर। दीपावली के दिन पर यहाँ पर दर्शन करने का बहुत महत्व है। मोर मुकुट महालक्ष्मी माता की जय। उसके बाद हम लोग आए हैं गणगौर घाट। जैसे गंगा जी के किनारे किनारे घाट बने हुए हैं ना, वैसे यहाँ पर भी झील के किनारे घाट बने हुए हैं, जहाँ पर लोग स्नान आदि कर सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं और शाम को घूमने के लिए आया जा सकता है। वैसे ही ये एक गणगौर घाट तालाब का किनारा है। यहाँ पर गणगौर की पूजा की जाती है, शाम को लोग टहलने आते हैं, कबूतर की यहाँ पे भरमार रहती है, तो कबूतर को दाना डालने के लिए भी यहाँ पे कई लोग आते हैं सवेरे। और यहाँ का ये मनोरम दृश्य, और यहाँ पर गणगौर का मेला लगता है। गणगौर 4 दिन का उत्सव होता है राजस्थान में गणगौर का, और गणगौर का मेला लगता है, तो गणगौर पूरे शहर की गणगौर को यहीं लेके आया जाता है, तालाब के यहाँ लाके पूजा करी जाती है। यहाँ पर ये सामने सामने बहुत सी होटल वगैरह बनी हुई है और मंदिर भी बने हुए हैं। यहाँ बैठकर वाराणसी जैसा अनुभव आता है। यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी होती है। होली के बाद में यहाँ पर गणगौर का उत्सव मनाया जाता है, जो 4 दिन तक लगभग मनाया जाता है। उसकी पूजा यहाँ पर गणगौर घाट आकर ही की जाती है। कार्तिक स्नान वगैरह भी यहाँ पर होता है। गणगौर घाट पर ही बना हुआ है ये बागौर की हवेली। तत्कालीन महाराजा संग्राम सिंह जी ने अपने प्रधानमंत्री को ये भेंट करी थी। आज ये एक संग्रहालय है। ये बहुत बड़ी है, लगभग 150 कमरे इसके अंदर हैं। और यहाँ पर शाम को म्यूज़िक का, संगीत का प्रोग्राम भी होता है। उसके बाद में हम लोग आ गए हैं हत्ता पोल। यहाँ पर उदयपुर में बहुत सारे पोल बने हुए हैं, उसमें से हत्ता पोल भी एक पोल है। रात को यहाँ से झील बहुत सुंदर लगती है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग घूम रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर में, और यहाँ पर ये जगह है सत्ता पोल, और यहाँ पर एक ब्रिज बना है झील के ऊपर। यहाँ पे काफ़ी पर्यटक आते हैं, पर्यटक आने लगे हैं, और यहाँ खड़े होकर रात के टाइम में झील के दोनों तरफ का व्यू बहुत ही खूबसूरत लगता है। पूरे लाइटों से जगमगाट रहती है, और यहाँ बहुत देर तक आप उठकर फोटोग्राफी कर सकते हैं, झील का आनंद उठा सकते हैं। गर्मी में ठंडिया होता है, मेरे दोनों ही तरफ यहाँ पर ये झील, यहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं अभी। बहुत पर्यटक भी है, लोकल लोग भी है, लोग फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, और दिवाली की जगमगाट है। ब्रिज पे खड़े रह के आप दोनों तरफ से झील का आनंद। दीपावली के बाद से ही यहाँ पर बहुत पर्यटक आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उदयपुर घूमने के लिए सबसे उपयुक्त वक्त दीपावली के बाद का ही माना जाता है। और पूरी सर्दियों में यहाँ पे फॉरेनर्स वगैरह बहुत आते हैं और यहाँ की झीलों का आनंद लेते हैं। चांद पोल उदयपुर में बहुत सारे पोल हैं, इसकी मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन बाद में दूंगी वीडियो में। और ये है चांद पोल की पुलिया पे खड़े होकर हम लोग यहाँ का व्यू ले रहे हैं। अभी हम जहाँ से आए वो था हत्ता पोल, और ये है चांद पोल। और पूरे उदयपुर में इसी तरह से होटलें देखने को मिल जाएगी, जगह जगह हेरिटेज होटल के जैसी लगती है सभी होटलें लगभग। अब यहाँ पे है अम्बा पोल, ऐसे ही यहाँ पे उदयपुर में बहुत सारे पोल बने हुए हैं, वो मैं खुद इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में दूंगी। तो झीलों की नगरी उदयपुर को जानने के लिए, करीब से जानने के लिए मेरे साथ में बने रहिए बिंग डीएमवी पर। और अभी मैंने सत्ता पोल, चांद पोल वगैरह बताया, यहाँ पोल है, और अम्बा पोल से यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे उसके आगे अम्बा माता का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर में आपको दर्शन है, यहाँ हनुमान जी का मंदिर। बता तो पोल का मतलब है यहाँ पे दरवाजे, तो राजा महाराजा के टाइम में पोल बने हुए थे, यानी दरवाजे बने हुए थे, वो बंद हो जाते थे, और पूरी बाउंड्री वॉल बनी हुई थी जो पूरी सिटी को कवर करती थी, तो बाउंड्री वॉल के आसपास जो दरवाजे होते थे वो बंद हो जाते थे, ताकि अंदर कोई आ ना सके। अगर अंदर कोई आना चाहता था तो उसे परमिशन ले कर सिटी के अंदर आना पड़ता था। ऐसे कई पोल हैं, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे देती रहूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ में झीलों की नगरी के बारे में। आइए अब मैं आपको उदयपुर के एक प्रसिद्ध मंदिर जगदीश मंदिर लेके जाती हूँ। ये है एकादशी का दिन और मैं आई हूँ जगदीश मंदिर। ये है जगदीश चौक। 400 वर्ष पुराना जगदीश मंदिर राजमहल के पास ही बना हुआ है और अपने आप में मेवाड़ का इतिहास समेटे हुए हैं।
तत्कालीन महाराजा जगत सिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। महाराणा जगत सिंह जी भगवान श्री जगन्नाथ के परम भक्त थे। वो स्वप्न में उनके दर्शन करते थे, उसके उपरांत ही वो कुछ अन्न जल ग्रहण करते थे। एक बार 15 दिन तक उन्होंने अन्न जल ग्रहण कर दिया क्योंकि उन्हें भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं हुए थे। तब उनकी भक्ति का मान रखने के लिए जगन्नाथ भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए कि मैं मेवाड़ आऊँगा। उसके बाद उदयपुर के ही पास स्थित डूंगरपुर शहर में खुदाई के दौरान एक विष्णु भगवान की काले पत्थर की मूर्ति निकली। इस विग्रह को प्रभु श्री जगन्नाथ का स्वरूप माना गया और उन्हें उदयपुर लाया गया। यहाँ पर एक पत्थर पर उनकी स्थापना करी गई और मंदिर ना बने तब तक उसी पत्थर पर इनकी पूजा आराधना शुरू हुई। ये पत्थर आज भी मंदिर में रखा हुआ है। भव्य मंदिर बनने के बाद में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर में कर दी गई। जब जगन्नाथ में रथ यात्रा होती है तो यहाँ पर भी रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया जाता है और इन्हें भगवान जगन्नाथ का ही एक स्वरूप माना जाता है। आरती शुरू हो गई है, आइए हम लोग भी आरती के दर्शन करते हैं। उसके बाद मैं आई हूँ साई बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर भी आरती के दर्शन हम लोगों को मिल गए। जगदीश मंदिर के पास ही है ये अरोड़ा विष्टान भंडार। ये काफ़ी पुरानी दुकान है और यहाँ पर उपवास में खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ ही मिलता है। मेवाड़ी में इसे सेगार कहा जाता है। ये है सुकाड़िया सर्कल और मैं आपको ले जा रही हूँ मेवाड़ का ट्रेडिशनल खाना बताने के लिए ट्रेडिशनल खाना रेस्टोरेंट पर। यहाँ पर आपको मेवाड़ की प्रसिद्ध जकोलमा पूड़ी, केर सांगरी की सब्जी, गट्टे की सब्जी, 8 घंटे तक पकाई हुई कड़ी, पापड़, चटनियाँ, बेसन चक्की और बहुत कुछ राजस्थान का खाना मिल जाएगा। इसी थाली में आपको दाल बाटी और चूरमा खाने के लिए भी मिलेगा। आज का डिनर एंजॉय करने के बाद में इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं अगले व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए और मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री कृष्ण।